नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी में। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, पेटीएम सीरीज की ही एक और वीडियो आपके सामने मैं लेके आया हूं। ये आज की जो वीडियो है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पेटीएम के थ्रू कुछ भी काम कर लें, कोई रिचार्ज करें या ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करें या यूपीआई के थ्रू फंड ट्रांसफर करें या फिर आप कोई ट्रेन की टिकट बुक करें या मूवी की टिकट बुक करें, कुछ भी आप पेटीएम के जरिए कीजिए, तो उन सब का रिकॉर्ड आपको पता होना चाहिए कि उन सब का रिकॉर्ड आप कैसे चेक करेंगे। तो यही आज की वीडियो का टॉपिक है। मैं आज आपको पेटीएम की पासबुक का स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाऊंगा। पासबुक यानी पासबुक के अंदर रिचार्ज की जो डिटेल्स है वो भी आती हैं, आपने कोई बुकिंग की है, ट्रैवल की, होटल की, टिकट्स की, वो सारी डिटेल पासबुक के अंदर ही आती है, लेकिन वो अलग अलग आपको शो होंगी। साथ ही साथ अगर यूपीआई से आपने कोई ट्रांजेक्शन की है तो उसकी ट्रांजेक्शन की डिटेल्स, और अगर आपने वॉलेट से कोई ट्रांजेक्शन की है तो वो डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स आपको आज मैं बताऊंगा कि कैसे आपने आपको पेटीएम की पासबुक में देखनी है। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आप पेटीएम की जो है पासबुक की स्टेटमेंट भी ऑनलाइन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, सोचने को ये वीडियो बड़ी सी छोटी और आसान सी लग सकती है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेटीएम में आप जितनी भी ट्रांजेक्शन करेंगे उन ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। इन केस अगर आपको इन फ्यूचर में कोई दिक्कत होती है या आपको कोई रिफंड लेना होता है तो उस केस में आपको ट्रांजेक्शन जो है उस ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट आपको जो है कस्टमर केयर को फॉरवर्ड करना पड़ता है। अगर वो आप नहीं करेंगे तो आपका जो रिफंड वापस नहीं मिलता है। तो आपको कम से कम पता तो होना चाहिए कि पासबुक में कौन सी चीज आपको कहाँ पे शो होगी और उस चीज की जो है आपको कौन सी चीज जो है यूज करनी है, कौन सी आप यूज कर सकते हैं, कहाँ उस चीज को कंफर्मेशन के लिए देख सकते हैं। तो यही आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए ताकि इसका कोई भी स्टेप रह ना जाए। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूँ, कितनी भी वीडियोस बना लूँ, उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब तक आप उसे देखेंगे ही नहीं तो उस वीडियो का क्या फायदा है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही रोजाना छोटी छोटी लेकिन बड़े काम की वीडियोस आपके सामने आती रहें और आपको डे टू लाइफ में बड़ी ईजी हो जाए और आप किसी फ्रॉड में फंसने से भी बच जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो चलिए सबसे पहले ओपन कर लेते हैं पेटीएम ऐप को। पेटीएम ऐप ओपन होने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी। यहाँ पर ऊपर आपको थोड़ा सा लेफ्ट में स्लाइड करना है। स्लाइड करते ही आपके सामने पासबुक का एक ऑप्शन आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर आपको अपने रिचार्जेस, बुकिंग, ट्रेवल वगैरह की शॉपिंग की अगर वो चाहिए डिटेल, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपको, अब चूंकि ये ऑल पे मैंने क्लिक किया हुआ है तो आपको सारी चीजें इसमें यहाँ पे शो हो जाएंगी, जैसा कि आपके रिचार्जेस। अगर मैं खाली रिचार्ज पे क्लिक करूंगा तो सारे रिचार्ज शो होंगे। ट्रैवल पे करूंगा तो सारी जो ट्रेवल्स की होटल बुकिंग है, टिकट पे करूंगा तो टिकट बुकिंग्स, ये सारे अलग अलग इन्होंने यहाँ पे जो है ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करके किसी ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री देख सकते हैं। उसके बाद वापस बैक आइए तो पेटीएम वॉलेट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आपको नीचे ये देखिए पेटीएम वॉलेट की जो है ट्रांजेक्शन भी शो हो जाएंगी कि आपने पेटीएम वॉलेट में कब पैसा ऐड किया और कब आपने जो है पेमेंट की है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखिए पासबुक में आपको शो हो जाएंगी। साथ ही साथ ये देखिए डाउनलोड स्टेटमेंट पे आप क्लिक करके यहाँ से आप कस्टम डेट या फिर ड्यूरेशन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी आपको डालनी है, जिस ईमेल आईडी पर आपको स्टेटमेंट चाहिए, उसके बाद आप कन्फर्म कर देंगे तो आपकी जो पेटीएम वॉलेट की स्टेटमेंट है वो आपकी ईमेल आईडी पर जो है यहाँ से डन करते ही पहुंच जाएगी। उसके बाद वापस बैक आएंगे तो ये देखिए फास्टैग का, अगर आपके फास्टैग लिंक है तो उसका ऑप्शन भी आपको यहाँ से शो होगा। तो यहाँ से आप अपने फास्टैग पर क्लिक करते ही ये देखिए फास्टैग स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे तो फास्टैग की जितनी भी ट्रांजेक्शन आपको सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप कंफर्म करेंगे तो जो आपकी फास्टैग की स्टेटमेंट है वो भी आपकी ईमेल आईडी पर जो है पेटीएम की तरफ से सेंड कर दी जाएंगी। ऐसे ही वापस बैक आइए, ये देखिए अगर आपका पेटीएम का गिफ्ट वाउचर है तो उसकी स्टेटमेंट भी, ट्रांजेक्शन भी इस पर क्लिक करके आप यहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल इसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है तो यहाँ पे जीरो शो कर रहा है। साथ ही साथ आप ये देखिए यूपीआई का पेमेंट्स का भी ऑप्शन अगर आपने लिंक किया हुआ है तो आप इस पर क्लिक करके अपनी यूपीआई की ट्रांजेक्शन भी देख सकते हैं। और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये देखिए एक बहुत सारे ये पेटीएम फर्स्ट गेम्स का, अगर इस समय आपका वॉलेट
एक्टिव है, तो यहाँ से भी जो इसकी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। ऐसे आप जो है पेटीएम की हर एक चीज की पासबुक की ट्रांजेक्शन जो है देख सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, और अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन मेरी मेहनत को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे या वीडियो को डिसलाइक करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने जो वीडियो बनाई है वो आपके काम आई या नहीं आई। और साथ ही साथ दोस्तों जाने से पहले इस वीडियो के नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरी इतनी वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब तक वो आप लोगों तक पहुंचेगी नहीं तो क्या फायदा। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर इस वीडियो से रिलेटेड या और भी किसी टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो हमें नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपसे वादा करता हूं कि जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, हम जल्द हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।